फिर उन्होंने वही कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि ग्रहों का उपाय कैसे होता है। पहला पॉइंट उन्होंने यही दिया है कि ग्रह फल का जो ग्रह होता है, यानी कि जन्म समय का जो ग्रह है, उसका उपाय नहीं हो सकता। जो राशि फल का ग्रह है, यानी कि जन्म दिन का जो ग्रह है, या ऐसा ग्रह है जो अपने राशि फल वाली जगह पे बैठा है, उसका उपाय हो सकता है। ठीक है, दूसरा है, हमने उपाय बता दिया, अब उपाय कब करना है, तो उसमें पंडित जी ने क्लियरली बोला है कि रात के समय में कोई भी उपाय नहीं करना है। जो भी उपाय करना है वो दिन के समय में करना है, जब सूर्य क्षितिज के अंदर, यानी कि आसमान के अंदर हो। ठीक है, क्योंकि ठीक है। जो रात है वो शनि की होती है, रात का राजा जो है वो शनि है। शनि को मतलब रात्रि का जो साम्राज्य है वो शनि के पास है, दिन का राजा सूर्य है। जो घनघोर बादलों वाला दिन होता है, जिसमें बहुत घने बादल छाए हुए होते हैं, वो भी शनि का ही होता है, क्योंकि सूर्य दिखाई नहीं देता। तो ऐसे समय में उपाय नहीं करना है, ऐसे समय में किया हुआ उपाय जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है, बैकफायर कर सकता है, या उसका इफेक्ट कंप्लीट ना मिलना, या पूरा ना मिलना, या गलत मतलब उसका बैकफायर हो जाना। मतलब एक्सपायर्ड टैबलेट नहीं लेते, तो ये वो टैबलेट है जो एक्सपायर हो चुकी है। हमें ऐसी सिचुएशंस में को अवॉइड करना है, ऐसी सिचुएशंस को रेमेडी नहीं करनी है। तो उन्होंने बोला कि इसलिए बेहतर ये होगा कि रात को उपाय ना किया जाए। ठीक है जी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि हम कोई भी उपाय करते हैं, चाहे हमें एक दिन उपाय करना है, चाहे 40 दिन या 43 दिन का उपाय करना है, तो उसमें किसी दिन की कोई बंदिश नहीं है। सोमवार को करना है, मंगलवार को करना है, शनिवार को करना है, कभी भी कर दो, सिर्फ दिन के समय करना है। कंडीशन क्या है कि हमें दिन के समय करना है, सूर्य सूर्य उदित होना चाहिए, आसमान में सूर्य की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। दिन का कोई वहम नहीं है। लाल किताब के उपाय में ठीक है। बहुत सारे आजकल विद्वान हैं, वो तिथियों का भी बता देते हैं कि इस तिथि को उपाय शुरू मत कीजिए। ठीक है, जी दे माइट बी हैविंग देयर ओन लॉजिक और ओन रीजंस और ओन रिसर्च, बट लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट जो कंडीशन, आप कहीं पढ़ लो, किसी से सुन लो, कोई बोल दे कि नहीं जी हमें तो ये भी बताया है, तो आप बोलोगे कि ये चीज तो यार हमें नहीं बताई। तो जो चीज मेरी नॉलेज में है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब किसी का क्या लॉजिक है, क्या रिसर्च है, डैट आई डोंट नो, और उसपे हमारी कोई टीका टिप्पणी भी नहीं है कि ऐसे उसको हम विचार करें उसका या ना करें, लेकिन लाल किताब में ऐसी कोई मेंशन उन्होंने किया नहीं। ठीक है, ठीक है सर। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप चाहे 39 डेज उपाय कर दें, लेकिन आप भूल जाएं, तो सारा वो किया कराया है, आगे उपाय करना बंद कर दें, उसको कंप्लीट ना करें, तो आगे जितना भी आपने जो उपाय किया है वो निष्फल हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है। और पांचवी बात उन्होंने जो बोली है कि कोई भी खून का नाती रिश्तेदार जो है वो अपने रिश्तेदार के लिए उपाय कर सकता है, जो कि जायज माना जाएगा और फलदायक भी होगा। ठीक है, ठीक है। खून, लेकिन रिश्तेदार सगा होना चाहिए, खून का होना चाहिए। हम और लाल किताब में खून का हम क्या बोलते हैं कि जहां तक दादा के खून का असर जाता है, यही बोलते हैं भाई। हाँ ठीक है, तो ये चीज कई बार इंसान बोलता है, माता जी बोलती हैं कि बेटा तो जी हमारा नहीं मानता है, हम कर दें। सिस्टर दिखाने आती है कि भाई भैया मानते नहीं है, वो करेंगे नहीं, मैं कर दूं, तो कर सकते हैं अगर खून का रिश्ता है, सगा रिश्तेदार है।
ठीक है, ठीक एक तो ये चीज है। दूसरा, अगर कोई बुजुर्ग ऐसा है जो इस दुनिया से रुखसत होने वाला है, जो कि वर्णासन है, उनकी मतलब मृत्यु होने वाली है, ऐसे समय में अगर किसी ग्रह से रिलेटेड जो चीज है वो आशीर्वाद में के रूप में आपको दे जाते हैं, ठीक है, तो वो ग्रह शुभ हो जाएगा और उसका जो आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। ठीक है।